गिरफ्तारी होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की। एनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो अतीक अहमद की हत्या, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड? गिरफ्तारी होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि भरे सदन में योगी आदित्यनाथ ने खुल के चैलेंज किया था कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। एक मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, ये गुंडई वाला बयान है। और यूपी का कौन गुंडा है सबसे बड़ा, कौन सबसे बड़ा माफिया है, ये अतीक अहमद की हत्या से आप लोग समझ सकते हैं। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये मानना है योगी आदित्यनाथ का। कानून व्यवस्था पे कोई उसको भरोसा नहीं है, ये मानना है योगी आदित्यनाथ का। जो व्यक्ति साबरमती जेल में बंद है उसको यूपी लाया जाता है उसको मरवाने के लिए, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की हत्या हुई है, ये माफ करना अतीक अहमद की हत्या हुई है, ये देखने की समझने की जरूरत है। क्यों 144 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगाया है, फट गई है क्या? मैं समझता हूं सीधा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय नैतिकता के आधार पे इनको पहले सस्पेंड करें, हटाएं। योगी आदित्यनाथ में कोई क्वालिटी नहीं है एक मुख्यमंत्री के पद पे रहने का। वो एक गुंडा बेशक से भगवा वस्त्र पहन के एक गुंडे का रोल बहुत बखूबी से एक अदा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे भी मरवा देगा कोई परवाह नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ एक धर्म की आड़ में एक मुख्यमंत्री के पद पे जाके एक गुंडे वाला बयान सदन में दिया था और उस गुंडे को पूरा करके योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को कोई राइट नहीं बनता है एक मुख्यमंत्री के गद्दी पे रहने के लिए।